क्या ये चुप्पी जो बता रहे हैं, अगर हमने बोलना शुरू कर दिया जो भी है, एक तो हुआ पाओ और गाओ, जिससे बोला जाता है तभी हमें पाना होता है, कुछ भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप से ख़ास तौर पर हम अगर कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी पता चला, तो जाके बताते हैं कि मुझे ये पता है, उसमें कुछ अलग से भाव उठती है कि मैं ये जानता हूँ। क्या इसके लिए ये चुप्पी बोला गया है? किसको कहा गया है चुप रहने को? अहंकार को, जो मैं जानता हूँ, नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ, बोलता रहता हूँ। ये समझना जरूरी है ना कि किसको कहा गया है। ये सवाल व्यर्थ है कि सत्य मिल जाए तो क्या करें, क्योंकि सत्य मिल जाएगा तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, जो करेगा सत्य करेगा। अगर सत्य मिल गया है और अभी भी तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिला है? ये सवाल कि सत्य मिल जाए तो उसके बाद चुप रहें या औरों को बताएं, ये सवाल फिजूल है। सत्य जिन्हें मिलता है उसके बाद जो करना होता है सत्य खुद कर लेता है, आपको नहीं करना है। चुप रहने को आपको कहा गया है, चुप रहने को आपको कहा गया है, सच को बोलने दीजिए, आप चुप रहिए, बस इतनी सी बात। आप बोलेंगे अपना ही नुकसान करेंगे, औरों का भी नुकसान करेंगे, आप बोलने से रोकेंगे अपने आप को तो भी नुकसान ही करेंगे। सवाल फिर न बोलने का होगा न बोलने का, सवाल होगा कि आप क्यों कर्ता बने हुए हैं, आपको कर्ता तो नहीं बनना है। चुप रहना यही है, आप मौन रहें, सत्य स्वयं बोलेगा। उसके पास बहुत तरीके हैं, आप जैसा बोल सकते हैं उससे वो बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत सुंदर बोलेगा, बहुत उचित बोलेगा, इतनी सी बात। जो रोहित ने भी बताया था, ग्लोस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोर, इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ ईगो, वो बात। जब तक आपको ये सवाल उठ रहा है ना कि मुझे तो पता चल गया है, औरों को बताऊं कि ना बताऊं, समझ लीजिए कि आपको भी कुछ पता नहीं चला है। सत्य का तो अर्थ ही है ना दुविधा का मिट जाना। आप कह रहे हो सत्य मिल गया है, अब दुविधा है कि इसका करें क्या, कमाल कर दिया। सत्य को लेके संशय है आपके पास कि अब इसका करें क्या।